नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे स्लीपर के बारे में, यानी कि स्लीपर को हम हवाई चप्पल क्यों कहते हैं, आगे हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। कभी आपने यह सोचा है कि पैरों में पहनने वाला स्लीपर यानी कि चप्पल को हम हवाई चप्पल क्यों कहते हैं? आपको बता दें कि समय के साथ इसके डिजाइन में लगातार बदलाव होता रहा है। आपको यह भी बता दें कि कभी न कभी आपको यह महसूस होता होगा कि चप्पल पहनने में आपको कितना आनंद आता है, वह भी सैंडल और हील के अलावा। ऐसे में आइए आज हम जानेंगे कि आखिर स्लीपर यानी कि चप्पल को हम हवाई चप्पल क्यों कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आसमान में उड़ने वाले जहाज को हम हवाई जहाज कहते हैं, लेकिन यह चप्पल तो आसमान में नहीं उड़ता है, लेकिन इसके बाद भी हम इसे हवाई चप्पल कहते हैं। तो चलिए आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसको हम हवाई चप्पल कहते क्यों हैं। इसको लेकर हमने इंटरनेट पर सर्च किया कि आखिर इसको हवाई चप्पल क्यों कहते हैं। इसके पीछे के कई तर्क सामने आए, जिसमें अमेरिका के एक इतिहासकार ने यह भी बताया कि अमेरिका में हवाई के नाम से एक आइलैंड है। इस आइलैंड पर एक खास तरह का पेड़ है जिसे हम टी के नाम से जानते हैं। बता दें कि इस पेड़ से रबर की तरह इसमें फैब्रिक बनता है और इसी पदार्थ से चप्पल बनाई जाती है। ऐसे में इसी हवाई चप्पल कहा जाता है। तो इसको लेकर यह भी कहा गया कि अमेरिका के हवाई में टी पेड़ से निकलने वाले फैब्रिक से चप्पल बनता है, जिसे हम हवाई चप्पल कहते हैं। लेकिन इसका डिजाइन वर्तमान चप्पल से एकदम अलग था। इतिहास के पन्ने में एक दूसरी बात भी सामने आ रही है। उसमें यह बताया जा रहा है कि जापान के इतिहासकारों ने यह बताया है कि हवाई चप्पलों का डिजाइन जापान में ही एक तरह से कहने की सबसे पहले मिलता है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि साल 1880 में जापान के लोगों को हवाई में खेत और कारखानों में काम करने के लिए ले जाया गया था। ये वही हवाई है जो कि अमेरिका में स्थित है, जिसे हम हवाई आइलैंड के नाम से पहले जाने थे। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जापान के डिजाइन का यह चप्पल इस तरह से हवाई पहुंचा गया। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि अमेरिका में बनने वाली हवाई चप्पलों की डिजाइन भी जापान से ही ली गई। बाद के दिनों में जब अमेरिका ने चप्पलों का निर्माण शुरू किया तो इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया। इसी के साथ अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व में हवाई चप्पल चलन में आ गया। अमेरिका जापान के बाद अब हवाई चप्पल की एक नई कहानी ब्राज़ील से शुरू होती है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक फुटवेयर नाम की कंपनी जिसका नाम है हवाई नाज, यह कंपनी की शुरुआत साल 1962 में किया गया था, लेकिन इस कंपनी की चप्पलें बाज़ार में ज़्यादा नहीं चल पाई और यह फ्लॉप रही। इस कंपनी ने उजला और नीला कलर का चप्पल जो है बाज़ार में लाया था। इसके बाद भी यह बाज़ार में पकड़ नहीं बना पाई, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो नीले और उजले कलर के हवाई चप्पल बाज़ार में खूब बिकते हैं। लेकिन उन्होंने इन चप्पलों को पूरे विश्व के बाज़ार में भेजा। इसी के बाद से लोगों के जहन में हवाई चप्पल को लेकर एक विचार सामने आया। हमने अब तक अमेरिका, जापान, ब्राज़ील में हवाई चप्पलों के बारे में जान लिया, तो अब जानते हैं अपने देश यानी कि भारत के बारे में। भारत में भी चप्पलों का अपना एक इतिहास रहा है। भारत के इतिहास की अगर हम बात कर लें तो इंडिया में घर घर में अगर आज हवाई चप्पल है तो इसका श्रेय जाता है बाटा कंपनी को। ब्राज़ील के हवाई नाज से ही पहले बाटा ने फुटवेयर के क्षेत्र में अपना काम शुरू कर दिया था। बता दें कि यह फुटवेयर कंपनी के मामले में टॉप कंपनियों में इसका नाम जो है गिना जाता है। तो ऐसे में अगर हम हवाई चप्पल पहनते हैं यानी कि स्लीपर पहनते हैं तो इसका पूरा श्रेय जो है अमेरिका के हवाई को जाता है। उसके बाद अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करेंगे तो यह जापान को जाता है। लेकिन अगर हम अपने और आपके घर तक अगर यह हवाई चप्पल है तो इसका श्रेय जो है ब्राज़ील की कंपनी को जाता है, और अगर हम भारत की बात करेंगे तो बाटा को जाता है, क्योंकि बाटा ने हर घर तक हवाई चप्पल पहुँचाया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।